हेलो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ बोल्ट्स का आज हमारा तीसरा लेक्चर है। आज हम ड्रॉ करेंगे सिलेंड्रिकल और चीजेड बोल्ट। आप ये देख सकते हैं, ये हमने जो ड्रॉ किया है यह है सिलेंड्रिकल और चीजेड बोल्ट। यह है बोल्ट की बॉडी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है शांक और यहाँ नीचे होते हैं थ्रेड। ये टोटल होती है बोल्ट की बॉडी और यह रहता है बोल्ट का हेड। और ये मैंने निकाला है फ्रंट व्यू और ये है टॉप व्यू। ये फ्रंट में आप देख सकते हैं, ये है स्लॉट जहाँ पे स्क्रू ड्राइवर यूज़ करके हम इसको फिट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो देख रहा है आपको, ये है पिन, यहाँ पे भी दिख रही है आपको, ये है पिन। ये पिन यूज़ करते हैं बोल्ट फिट करने के बाद रोटेट ना हो, इसके लिए ये पिन यूज़ करते हैं। ये दो तरह से यूज़ करते हैं, एक तो ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है एक्सिस को, बोल्ट के एक्सिस को परपेंडिकुलर, या फिर ये बोल्ट के एक्सिस को पैरेलल भी हो सकती है। तो ये इसके सब डायमेंशंस कैलकुलेट करके हम ड्रॉ करेंगे सिलिंड्रिकल और चीजेड बोल्ट। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करके लेंगे, मैं आपको बताता हूँ। अगर हमें डी लेना है सिलिंड्रिकल सिलेंडर का, बोल्ट का डायमीटर हमें डी, नॉमिनल डायमीटर डी अगर 20 mm लेना है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक यानी कि बोल्ट का हेड का डायमीटर रहेगा 1.5 डी। तो उसको हम 1.5 × 20 करेंगे तो आंसर आएगा 30 mm। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो कि बोल्ट का थिकनेस है वो है 0.8 × d। तो कैलकुलेट करेंगे 0.8 × 20 mm तो आंसर आएगा 16 mm। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक थ्रेड जो दिखा है वो थ्रेड भी रहते हैं 0.8 × d, तो वही 60 mm आने वाले। और ये जो पिन दिखाई है, ये पिन का डायमीटर है, लेंथ होती है 0.2 डी बाहर होती है, 0.2 डी अंदर होती है, यहाँ पे हमने दिखाई है। तो 0.2 × d यानी कि 0.2 × 20 mm करेंगे तो आंसर आएगा 4 mm। तो ये 4 mm अंदर होगी, 4 mm बाहर होगी। और इसका डायमीटर है यहाँ पे दिखाया है 0.12 × d 0.12 डी। तो कैलकुलेट करेंगे 0.12 × 20 mm तो आंसर आएगा 2.4 mm। और ये होने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे ये स्लॉट, ये स्लॉट है 2 mm यहाँ है, 2 mm यहाँ है, इसका फॉर्मूला है 0.2 डी जो कि यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है 0.2 डी। तो 0.2 × d कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4 mm। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ रहेगी स्लॉट की, वो रहती है 0.25 डी। तो कैलकुलेट करेंगे 0.25 × 20 तो आंसर आएगा 5 mm। सिर्फ इतने पैरामीटर्स, इतने कैलकुलेशंस यूज़ करके हम, डायमेंशंस यूज़ करके हम ये ड्रॉ करेंगे। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं एक वर्टिकल सेंटर लाइन लेता हूँ, एक वर्टिकल सेंटर लाइन लेता हूँ। अभी इसमें हमें ड्रॉ करना है हेड। पहले तो हम बोल्ट का हेड ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए मैं एक फ्रंट लाइन लेता हूँ और बोल्ट का डायमीटर हम 20 mm लेंगे। तो इस वहाँ पे हमें बोल्ट का हेड आने वाला है 1.5 डी यानी कि 30 mm। तो दोनों तरफ हम कितना लेंगे, एक तरफ 15 mm और दूसरी तरफ 15 mm। उसके बाद बोल्ट की थिकनेस, हेड की थिकनेस कितनी मिली हमें, 0.8 डी यानी कि 16 mm। तो यहाँ पर मैं 16 mm का एक पॉइंट ले रहा हूँ ऊपर, और इसी लाइन को पैरेलल वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और सेंटर लाइन को पैरेलल यहाँ से जो पॉइंट्स लिए थे 30 mm के, वो हम ज्वाइन करेंगे। इस तरह से मिल गया हमें ये बोल्ट का हेड। अभी इसमें हम स्लॉट दिखाएंगे जो कि हमने दोनों तरफ ये देखा कि ये 0.2 डी था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है टोटल 0.2 डी और डेप्थ है 0.25 डी। तो वो कैलकुलेट करने के बाद 4 mm आया था, तो हम दोनों तरफ यहाँ पे 2 mm, यहाँ पे 2 mm लेंगे, और नीचे कितना है 5 mm। तो यहाँ से इसी लाइन को पैरेलल एक यहाँ से लाइन लेंगे, एक यहाँ से लाइन लेंगे, और वो स्लॉट इस लाइन को पैरेलल यहाँ पे डेप्थ भी कट करेंगे। इस तरह से बन जाएगा हमारा ये स्लॉट जहाँ पे स्क्रू ड्राइवर डाल के इसको फिक्स किया जाता है, फिट किया जाता है। इस पर स्पैनर नहीं यूज़ करते। तो अभी इसका बोल्ट का डायमीटर कितना है 20 mm, तो यहाँ पे हम 10 mm लेंगे, यहाँ पे 10 mm लेंगे, और इस लाइन को पैरेलल मैं ये लाइन डायमीटर की लेंथ जो है बोल्ट की
वो एक्सटेंड करता हूँ, हम लेंथ कैलकुलेट नहीं करेंगे, जो कि हम लेंथ लेते हैं 3D या 4D हमें पता है। तो मैं यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ और इसको ब्रेक करता हूँ, तो लेंथ यहाँ पे मैं दिखाता नहीं, पर मैं थ्रेड्स दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं कुछ डिस्टेंस लेता हूँ, थ्रेड्स तो हम पता है कि 1.25D से 1.5D के डिस्टेंस पे दिखाते हैं, और 2D भी लेते हैं हम। और यहाँ पे हम थ्रेड्स दिखाएंगे तो वो थ्रेड्स का कितने रहते हैं, 0.8D रहते हैं। तो दोनों 20 में से हमें कितना कमी, 16 आएगा, तो हमें कितना कम करना पड़ेगा, यहाँ से 2 mm और यहाँ से 2 mm, और इसी लाइन को पैरेलल हम ये थ्रेड्स इस तरह से दिखाएंगे, जो कि एक्सटर्नल थ्रेड्स है। थ्रेड्स दिखाने के बाद यहाँ पे मैं आपको बताया था कि यहाँ पे 4 mm, यहाँ पे 4 mm कौन सा डिस्टेंस लेने वाले हैं हम, 0.2D करेंगे तो 4 mm आता है, ये डिस्टेंस रहता है। अगर यहाँ पे हम थ्रेड्स कट करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, तो ये देखो, ये जो अंदर की लाइन है ये थ्रेड की रूट की लाइन है, यहाँ पे भी थ्रेड की रूट की लाइन है, ये जो बार है, ये बार का डायमीटर है, बार पे हम थ्रेड्स कट करेंगे तो यहाँ पे थ्रेड्स आएंगे। तो थ्रेड्स कट करने के बाद ये थ्रेड्स, यहाँ तक थ्रेड की लेंथ रहेगी बोल्ट की, और यहाँ तक शंक की लेंथ रहेगी। तो ये लेंथ के बीच में एक टेपर तैयार हो जाता है, और ये टेपर रहता है 0.2D डिस्टेंस का। तो यहाँ से ग्रिप लेंथ मेज़र करते हैं बोल्ट की, इसलिए ये टेपर आता है। पिछली वीडियो की कमेंट में एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था, इसलिए यहाँ पे ये बताया। और ये होने के बाद हम क्या करेंगे, इसका टॉप व्यू बनाएंगे। सॉरी, इसके पहले मैं पिन बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने पिन आपको दिखाई, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पिन में 2 mm, 0.2D बाहर, 0.2D अंदर है, और इसकी लेंथ होने के बाद यहाँ से इसका डायमीटर है 0.12D। तो मैं यहाँ पे 0.2D यानी कि 4 mm बाहर, 4 mm अंदर लेता हूँ। यहाँ पे 4 mm बाहर, 4 mm अंदर, ये होने के बाद इसका डायमीटर कितना है, 2.4, तो लगभग 2 और 3 के बीच में मैं एक पॉइंट लेता हूँ, और इसी लाइन को पैरेलल वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा, और यहाँ से ये ज्वाइन करूँगा। तो ये बन जाएगी हमारी पिन, और ये पिन हम टॉप में भी बनाएंगे। अभी टॉप बनाने के लिए मुझे चाहिए ये डायमीटर, जो कि मैंने लिया था 30 mm, टोटल 30 mm का डायमीटर लिया था। तो एक सूटेबल डिस्टेंस लेता हूँ, और सूटेबल डिस्टेंस पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ जितना हेड का डायमीटर है उसकी रेडियस लेकर, 15 mm की रेडियस लेकर। तो ये बन गया हमारा बोल्ट का टॉप व्यू। अभी ये डायमीटर, यहाँ से हेड का डायमीटर ड्रॉ करने के बाद हमें ये भी डायमीटर ड्रॉ करना पड़ेगा, कौन सा, बोल्ट का, बोल्ट की बॉडी का। तो बोल्ट की बॉडी का भी डायमीटर हम ड्रॉ करेंगे, डॉटेड ड्रॉ करना पड़ेगा। तो डॉटेड क्यों, क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें बोल्ट का जो बॉडी है वो नहीं दिखाई देगी, सिर्फ हेड दिखने वाला है। तो ये बॉडी का डायमीटर हमें, बॉडी का सर्कल जो है वो इमेजिनरी निकालना पड़ेगा, यानी कि वो हिडन रहता है, तो इसलिए वो हम डॉटेड दिखाते हैं, इस तरह से वो दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ से थ्रेड का जो सर्कल रहेगा, जो इमेजिनरी है, थ्रेड्स तो कट नहीं किए, इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी सर्कल हम ब्रेक दिखाते हैं। क्यों, क्योंकि वो थ्रेड्स अभी कट करने वाले हैं। एक्सटर्नल थ्रेड का सिंबल वैसा रहता है कि बाहर का सर्कल कंटिन्यूस रहता है और अंदर का सर्कल ब्रेक रहता है, इसलिए हम यहाँ तक ही निकालेंगे। अभी हमें ये पिन भी ड्रॉ करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये पिन का प्रोजेक्शन, यहाँ पे बीच से दिखाया, यहाँ से मैं प्रोजेक्शन इसका ले रहा हूँ, ये बीच की लाइन नहीं लेनी है। लेने के बाद हमें ये एक एक्सिस भी ड्रॉ करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इस तरह से मैं एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन निकालता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मुझे पॉइंट मिला, यहाँ पे मिला। डायमीटर कितना है हमारे पिन का, 0.12D। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ 0.12 यानी कि लगभग 1 ही लेना पड़ेगा दोनों तरफ हमें, और वो इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को पैरेलल हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये हम बन जाएगी हमारी पिन, यहाँ से पिन हमारी बन गई। तो ये बन गया हमारा सिलिंड्रिकल और चीज़ हेडेड बोल्ट। यहाँ से अभी क्या करना पड़ेगा हमें, ये होने के बाद हमें यहाँ पे दूसरा मैं एक बना के दिखाता हूँ, जहाँ पे ये पिन जो होगी ये सर्कुलर होंगी, इसलिए मैं फिर से यही बनाता हूँ, लेकिन अब थोड़ा फास्ट बनाएंगे हम। यही सेंटर लाइन मैं यहाँ से पास करता हूँ, अभी मैं यही डायमेंशंस यहाँ पे थोड़ा पास करूँगा फेंट लाइन से, यही प्रोजेक्शन। तो थोड़ा
जल्दी हो जाएगा हमारा। अभी क्या करता हूँ मैं, यहाँ से 30 mm डिस्टेंस लेता हूँ, जो कि हमारा हेड का डायमीटर है। यहाँ पे 15 mm, यहाँ पे 15 mm, और वर्टिकल लाइन को थिकनेस तो हमने प्रोजेक्शन पे लिया है, तो मैं यहाँ से सीधा जॉइन करने के बाद हमें मिल जाएगा इसका थिकनेस भी। ये करने के बाद हमें स्लॉट दिखाना है, तो स्लॉट कितना है दोनों तरफ, 2-2 mm, तो सिर्फ 2-2 mm के पॉइंट्स लूँगा। और नीचे लेना है 5 mm। पहले तो मैं बीच का इरेज करता हूँ, इसी लाइन को पैरेलल मैं फिर से एक पॉइंट ले रहा हूँ नीचे, सॉरी ये रहेगा और ये रहेगा, और इसी लाइन को पैरेलल मैं यहाँ से ज्वाइन करता हूँ। ये होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे बोल्ट निकालना है जिसका डायमीटर है 20 mm बोल्ट की बॉडी का। उसके बाद इसी लाइन को पैरेलल मैं एक्सटेंड करके लेता हूँ, एक्सटेंड करके लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद मैं इसको एक ऐसा ब्रेक दिखाता हूँ, जो कि हम इसकी लेंथ मेज़र नहीं करने वाले हैं। यहाँ तक हमें थ्रेड्स दिखाने हैं, तो मैं दोनों तरफ 2-2 mm कम करता हूँ और एक वर्टिकल लाइन को पैरेलल में ये ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे भी हम ये ज्वाइन कर देंगे, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद हमें निकालना है ये पिन, पिन यहाँ पे हमने देखी 4 mm बाहर, 4 mm अंदर, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे हम वर्टिकल यानी कि पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ बोल्ट, तो हम यहाँ पे 4 mm ऊपर 4 mm नीचे लेंगे। और उसका डायमीटर कितना है 2.4, तो लगभग 2 और 3 के बीच में ये डिस्टेंस लेता हूँ, और मैं यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करके पिन दिखाऊंगा। अभी हमें टॉप ड्रॉ करना पड़ेगा, तो टॉप के लिए क्या करेंगे, यही हम लेंथ लेंगे और यह सॉरी रेडियस लेंगे और ड्रॉ करेंगे। ये बन गया आउटर सर्कल। इसके बाद मैं सेंटर लूँगा ये वाला रेडियस लूँगा बोल्ट के डायमीटर की, जो कि 10 mm रेडियस रहेगी। हमें यहाँ पे भी ये डॉटेड ही निकालना है, तो डॉटेड ही निकालेंगे। बाहर का सर्कल डॉटेड निकालने के बाद हम थ्रेड का भी सर्कल निकालेंगे। यहाँ पे भी थ्रेड का सर्कल रहेगा, भी यहाँ पे भी हम ब्रेक दिखाएंगे यहाँ तक। सिर्फ यहाँ तक दिखाएंगे हम। इसके बाद हमें निकालना है ये वाला पिन, तो इसके प्रोजेक्शन लेंगे हम ऊपर, यहाँ पे हम प्रोजेक्शन लेंगे इसके। और प्रोजेक्शन लेने के बाद ये तो बहुत ही छोटा डायमीटर है, हम इसे कंपास से नहीं निकाल सकते, तो इसलिए मैं आउटर जो प्रोजेक्शन मिले हम यहाँ पे मैं एक सर्कल करता हूँ, और इस तरह से दिखेगा ये पिन वर्टिकल में टॉप में। तो ये बन गए हमारे दोनों व्यू, ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। एक बार मैं हमने निकाला पिन हॉरिजॉन्टल थी तब, और ये है पिन वर्टिकल तब। ये सिर्फ दो कंडीशन रहेगी, ये सी जेड बोल्ट है, वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे बोल्ट हेड के लिए कम जगह रहती है। और हम डायमेंशंस दिखाएंगे, यहाँ से यहाँ तक रहेगा हमारा डी बोल्ट डायमीटर डी, और यहाँ से यहाँ तक रहेगा थ्रेड का जो कि हम थ्रेड करेंगे वो कट करेंगे वो रहेगा 0.8D, रूट टू रूट का डिस्टेंस रहेगा। और यहाँ पे हम दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे बोल्ट के हेड का डायमीटर है जो कि 1.5D है, और यहाँ पे हम दिखाएंगे बोल्ट के हेड की थिकनेस जो कि है 0.8D। और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा पिन का डायमीटर जो कि रहेगा 0.12D, और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा स्लॉट, ये स्लॉट है कितना है 0.2D, और स्लॉट की डेप्थ कितनी है 0.5D है, तो 0.5D हम दिखाएंगे यहाँ पे 0.2 सॉरी 0.25D
तो 0.25 कैलकुलेट करने के बाद 5 mm आती है। और यहाँ पे हम मैं दिखाऊंगा पिन की टोटल लेंथ हाफ कितनी थी, 0.02D, तो ये पूरी कितनी रहेगी, 0.4D। इस तरह से ये पैरामीटर्स यूज़ करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू।